हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आयुर्वेद चैनल जिसका नाम है आयुर मानव। दोस्तों, आज वर्ल्ड अर्थ डे पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आप जान लीजिए। हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी ईश्वर का वो दिया हुआ रूप है, वो गिफ्ट है जिस पर हम यानी जीवित मनुष्य, जीवित जाति यहाँ पर रहते हैं। और यदि इसमें हमने प्रदूषण या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक चीज़ें की तो वो हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट तो साथ में करती हैं, साथ में पृथ्वी की सतह को भी नुकसान पहुंचाती हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले सारे प्राकृतिक सोर्सेस जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। मैंने 12th में एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, उस एवोल्यूशन चैप्टर में एक थ्योरी आती है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और उस पृथ्वी के निर्माण के बाद हम कैसे बने। वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि सबसे पहला यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था वो वायरस और बैक्टीरिया के रूप में इस पृथ्वी पर आया था, और यही वायरस और बैक्टीरिया आज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते जा रहे हैं, जबकि कहने के तौर पर ये हमारे पूर्वज कहे जा सकते हैं। और रेवोल्यूशन या जेनेटिक्स का एक नियम है कि कोई भी जनरेशन वातावरण में होने वाले प्रभाव के कारण अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन करती हैं, कुछ चेंजेस करती हैं, वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वायरस, वो बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर्स या कुछ जेनेटिक मटेरियल्स आज हमारी बॉडी में स्टोर्ड है। अब हम वायरस और बैक्टीरिया से क्यों बीमार हो जाते हैं, इस चीज़ को समझना आवश्यक है। देखिए, हमारे शरीर में प्रतिरोधक तंत्र होता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारे शरीर को इन रोगों से बचाता है। और वो प्रतिरक्षा तंत्र जब ही मजबूत होता है, जब हम अपने खाने पीने और रहने के नियमों को सही तरीके से करते हैं। आयुर्वेद में कंसेप्ट बोला गया है आम। आम यानी कि जब आप जो भी भोजन करते हैं, आपकी जठराग्नि उस भोजन को अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और वो मटेरियल सप्त धातु पोषण क्रम के द्वारा, यानी धातु पोषण क्रम के द्वारा सात धातुओं को पोषित करते हुए शरीर के 7 सिस्टम्स को तैयार करता है। और उन्हीं सिस्टम में से हमारे साथ में कफ तैयार होता है, और वो कफ यानी प्राकृतिक कफ ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर का कार्य करता है। और जब ये जो भोजन है हमारा सही तरीके से पच नहीं पाता है तो वह आम को तैयार करता है। और यही आम यानी कि अपक्व कफ यानी कि डीनेचर्ड कफ जो होता है वो हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। और जो मेरा मानना है कि यही कफ होता है जो वायरस और बैक्टीरिया के तौर पर हमारे शरीर में कार्य करता है, और यही हमारे शरीर के सिस्टम को अफेक्ट करता है। और हम आयुर्वेद में भी वायरल डिसीजेज में, वेक्टर डिसीजेज में दीपनीय और पाचनीय चिकित्सा करते हैं और शरीर का शोधन करते हैं। जब ये सारी चीज़ें, ये गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है, दीपन और पाचन चिकित्सा के तहत आपकी जाठराग्नि मजबूत होती है, तो सारे रोगों से आपको सुरक्षा मिलती है। अब बाहर जो गंदगी है उससे हमें बचना है तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा। तो मेरा दोस्तों यही मैसेज है कि अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करें, और वो सिर्फ आपके रहने और खाने पीने के नियम को आयुर्वेदिक तरीके से फॉलो करने से हो सकता है। साथ में अपने आसपास के वातावरण को क्लीन करें, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, अपने आसपास की गंदगी को बचाएं। प्रकृति ने हमें जल दिया है जिसे जल ही जीवन बोलते हैं, उस जल को फालतू बर्बाद करने से बचें। तो तब तक के लिए दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।